I would like to share one strategy. In my earlier attempts, in mains, I used to write 11 to 20, question number 11 to 20 first, and then from 1 to 10. So this was my strategy. This time, मैं एक दोस्त था जो जिसने इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम, उसने हम बातें कर रहे थे ऐसे ही, तो उसने मुझे बताया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 11 टू 20, स्टार्ट मतलब एटलीस्ट अटेम्प्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 1 टू 5, बिकॉज वी आर एट लास्ट ह्यूमंस मैम. तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो सामने सब कुछ अच्छा दिखता है वो लास्ट तक वही इंप्रेशन रहता है, वही इंप्रेशन रहता है. तो 11 टू 20 अगर हमने अच्छा भी लिख दिया और लास्ट के रशिंग मोमेंट्स में हमने 1 टू 10 लिखे, तो जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें चेक करते करते एक परसेप्शन बन जाता है कि 80 या 90 मार्क्स का बच्चा है, तो ही द एग्जामिनर विल नॉट रिवार्ड यू फॉर द लास्ट 10 क्वेश्चंस. नो, दे विल नॉट. तो फर्स्ट तो उसने मेरे को एक ये चीज बताई. सेकंड उसने ये बताई कि डिवाइड द टाइम, जैसे 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स एंड 11 मिनट्स फॉर 15 मार्कर, बिल्कुल एग्जैक्ट, या फिर 30 सेकंड्स ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं हाउ मच यू आर गुड एट राइटिंग. तो बोला कि जैसे सेवन, लेट अस सपोज यू हैव डिसाइडेड 7 मिनट्स फॉर योर 10 मार्कर, तो बोला जैसे तू 7 मिनट के ऊपर पहुंचता है ना, हाउ मच एवर यू नो, जितना भी तुझे आता हो, स्टॉप दैट एंड स्टार्ट राइटिंग कंक्लूजन, सो दैट इन नेक्स्ट 1 मिनट यू राइट द कंक्लूजन एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन. बिकॉज उन्हें कहा कि तूने 2 पॉइंट और अच्छे अच्छे लिख दिए, अगर तुझे आते थे वो पॉइंट तो तू पहले ही लिख चुका होता, ठीक है, और वरना वो सोचने में समय गया. और मान ले तूने 30 सेकंड ज्यादा लिख के 2 पॉइंट और भी लिख दिए, और 30 सेकंड को हम अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दें 20 क्वेश्चंस के लिए, तो ये 10 मिनट्स हो जाती है. 10 मिनट्स मतलब 15 मार्कर एक क्वेश्चन गया. और फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स स्पेशली और फॉर एवरी स्टूडेंट, अगर यू आर लिविंग 115 मार्कर इन ईच पेपर, तो यू आर ऑलरेडी आउट. आप छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते मैम. और पता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी है, पता है, जो मुझे महसूस होता है जब मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करती हूँ, अगर आप एक 20 नंबर को 20 क्वेश्चंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, yes, आपको जिला दे दे मैनेज करने के yes, लिए मैम, वो मेन वो था उस चीज में. आप यानी कि 10 आपको नहीं पता आपको कहाँ रुकना है, yes, ना, आप जिले में जाएंगे, आपको एजुकेशन भी देखनी है, हेल्थ भी देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीजें देखनी है, yes, ma'am. आपको पता ही नहीं कि हेल्थ में कब रुकना है, yes, है ना, बाकी चीजों में कब रुकना है. तो ये भी एक अपने आप में एक पर्सनालिटी का भी टेस्ट है. मैम माय फादर यूज्ड टू से दिस थिंग टू मी, ना, व्हेनेवर आई टोल्ड हिम कि पापा पूरा पेपर नहीं हुआ, एक क्वेश्चन छूट गया, हाँ. उसके पेपर में 2 क्वेश्चन छूट गए, तो बोला कि एक टाइम से पर्सनालिटी का टेस्ट है तेरा, तेरे को पूरा एक जिला देंगे, उसके बाद तेरा प्रमोशन होगा और बड़ी उसके ऊपर, हाँ. जाएगा. अगर तू एक टेस्ट विद इन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो तू पूरा जिले को और उस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मैनेज करके वो करेगा. तो एक ये स्ट्रेटजी मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूंगा जो भी प्रिपेयर कर रहा है अभी मेंस के लिए, मेंस आने वाला है, एक तो टाइम लिमिट सेट कर लें अपनी, और दूसरा फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस, या आई तो वुड सजेस्ट गो फ्रॉम 1 to 20 डायरेक्टली, बिकॉज इफ यू नो द क्वेश्चंस देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो दैट इज द मेन स्ट्रेटजी आई वुड लाइक टू. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट. हां, फिर लोगे तो बताओ, हमने तो इतनी पता, हमने तो 20 टेस्ट लिखे, यस मैम, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. अरे 20 नहीं, 10 लिखो, 10 लिखो, बट एनालाइज करके लिखो और अच्छे वे में लिखो उसको. अच्छे एक-एक को एनालाइज करो, कहां गलती हो रही है. अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, प्रीलिम्स में देखो ना, लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं टक 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 टक. yes, वो अच्छा, कोई ऐसा बंदा मिला आपको अपने दोस्तों में जिसने कहा कि मैंने तो 20,000 क्वेश्चन कर लिए? यस मैम, देयर आर मेनी 10,000 क्वेश्चंस, 20,000 क्वेश्चंस, बट मैं उनको यही कहता हूं, इफ यू हैव अटेम्प्टेड 10,000, सपोज 10,000 क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड, तेरे को ये थोड़े ना पता जो तूने फर्स्ट क्वेश्चन गलत किया था वो किस कारण से किया था. बिल्कुल, वो चीज तो नहीं पता है ना, और वो सेम गलती तू इन द मेन जो प्रीलिम्स होने वाला उसमें करेगा. तो मैं कह रहा हूँ तू 1,000 क्वेश्चन कर, बट उनको बार बार 4 या 5 बार रिवाइज कर, ताकि यू डू नॉट कमिट द मिस्टेक्स, एनालाइज करके उसको. सिली मिस्टेक्स. इस बार पता है प्रीलिम्स, आपने देखा इस बार का प्रीलिम्स का पेपर? यस मैम, उसमें जो यूपीएससी एज एन एग्जाम इज इवॉल्विंग एंड दैट इज वेरी मच विजिबल फ्रॉम दैट, तो उसने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा. जैसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज कर लेते थे कि ऑप्शन 1, 2, 2, 3 में अगर हमें पता होता पता चल जाता. आपके पास 49 क्वेश्चंस के अराउंड उसने पूछे, ओनली 1 पेयर 2 पेयर, 1 स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, यस मैम. तो वो आपके बार उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया होगा यूपीएससी में. बिल्कुल, एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया. नहीं पता, यूपीएससी की भी मजबूरी सी भी हो गई है. Yes, ma'am. है ना, कि उसको अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा. यस मैम, बिकॉज़ ये यूपीएससी कोचिंग इतना वो प्रोवाइड करवा रही है, तो यूपीएससी नीड्स टू बी वन स्टेप अहेड. तो उसको वो अपने आप को इवॉल्व करना ही पड़ेगा. तो आपको कुछ सीसेट में कभी कोई परेशानी महसूस हुई? आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या ह्यूमैनिटीज से? मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं मैम, और सीसेट में बीइंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड आल्सो, सीसेट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई, एंड सिंस 2019-20 तो इट इज इवॉल्विंग, तो द पेपर इज गेटिंग टफ डे बाय डे. इस साल भी सम ऑफ माय फ्रेंड्स अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स एंड आई मेट देम, दे टोल्ड मी कि वी आर गेटिंग 100 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स इन जीएस, सो दैट इज अ डिसेंट स्कोर अकॉर्डिंग टू दिस टाइम एग्जाम, बट देन आई आस्क्ड देम अबाउट द सीसेट, सो दे टोल्ड मी 65.
marks we are getting. I attempted only 38 questions. So they are failing in prelims just because of CSAT. Just because of CSAT. And they are not realizing the actual potential of CSAT. Ki you are reading GS for one complete year and then you are failing in CSAT. So that is the most... I am not finding the word, ma'am. सबसे घटिया चीज़ है जो तुम खुद के साथ कर सकते हो। मैं उनको पढ़ने के बाद अगर क्लियर नहीं हुआ, yes ma'am, खाली CSAT की वजह से, because GS क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है, और फिर उसमें तुम अंडर, मैम एक मेरा फ्रेंड था शेर सिंह, तो he got around 160 marks in GS in 2020-21 and he got 25 marks in CSAT. 25 only 25 marks in CSAT. तो दिस इज द वेरिएशन मैम. अब आप सोचो वो कहाँ से और कहाँ पे आ गया हो. तो यार बहुत दुख भी होता है ना, इतनी मेहनत करके अगर आपका ना सिलेक्शन हो. मैम मैं जो मेरे फ्रेंड थे मेरे से गाइड लेते थे कि भाई आई एम क्लियरिंग प्रीलिम्स एवरी टाइम, तो आई यूज्ड टू से टू देम भाई डिवाइड मतलब 30 मिनट सीसेट के लिए रख लो, स्प्रेड इट ओवर 6 मंथ पीरियड. तो 30 मिनट ज्यादा नहीं है, कहीं से भी कभी भी निकाल लेते हैं हम लोग. एक प्रैक्टिस के लिए जरूरी भी है. यस मैम, तो 30-30 मिनट अगर हम 6 महीने के ऊपर स्प्रेड करते हैं सीसेट का, वीडियो देख लीजिए, जैसे ऋषि सर की वीडियो देखता था मैं सीसेट के लिए, तो उसमें अगर हम ऐसे देखते रहते हैं, वीडियो देख लिया हमने, प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन वगैरह, तो वो हेल्प करता है हमें आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यूस प्रैक्टिस में है. तो उस दिन हमें 33 क्वेश्चन ठीक करने रहते हैं मैम ओवरऑल, ज्यादा ही तो करना है. और उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस रहते हैं और 6 महीने प्रैक्टिस के ऊपर कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, तुम वो क्लियर कर लोगे. तो इतना एटलीस्ट मेक योरसेल्फ एलिजिबल कि तुम सीसेट क्लियर कर लो, उसकी वजह से तुम्हारा ये जो यूपीएससी में पास करने का वो ना रुके, वो हो जाएगा. Yes, ma'am. इतनी मेहनत हम जीएस में करते हैं, थोड़ी सी तो सीसेट की भी बनती है. आधा घंटा इज नॉट अ बिग थिंग. आधा घंटा हम खाने में ज्यादा निकाल लेते हैं, नहाने में ज्यादा निकाल लेते हैं, सोने में आधा घंटा कम सो लेंगे तो क्या ही भाई वो दिक्कत हो जाएगी उस चीज से. तो आधा घंटा डेली अगर 6 महीने के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. इंटरव्यू मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, मैं बता दूं अगर आप एकदम सिंसियर है, आपकी मैच्योरिटी झलकती है आपके आंसर से, इंग्लिश थोड़ी लेफ्ट राइट हो भी जाए इतना फर्क नहीं पड़ता. मैम मैं अब एग्री करता हूँ कम्प्लीटली 100% आपसे, क्योंकि आई गोट 190 मार्क्स इन इंटरव्यू. लो तो अब मैं उस चीज का ये नहीं है कि अब तो मैं यही कहता हूँ सबको, क्योंकि जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था मेरे दोस्तों ने कहा था अब तेरा ही हो गया तो हमारा तो हो ही जाएगा, तो मेरा इस टाइप का वो था उनके साथ. तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर 190 मार्क्स इफ आई कैन गेट इन द इंटरव्यू विद कम्युनिकेशन स्किल्स आई हैव, तो एनीबॉडी कैन गेट, बिकॉज दे ओनली नीड व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू आर गिविंग टू देम, दैट मैच्योरिटी लेवल लाइक यू सेड, एंड how much indulging and engaging you make the interview, because it is very much clear from while I was giving the interview they were so much interested in talking to me that one chairperson not chairperson one board member moved his chair towards me as to talk to me, so that was that much engaging. And ab main soch raha hu ki agar mere communication skill aur achhi hoti to shayad 200 I would have crossed, but it's okay, I am very much happy with 190. Pata hai ye jo honesty hai na, pata hai jab hum baat karte hai na, jaise abhi main aapse baat kar rahi hu, yes ma'am, to aapne jitne frank tarike se baatein bata di, जिस तरीके से आप बता रहे हैं उससे ना एक ऑनेस्टी झलकती है इंसान की, क्या जो दिल में है ना वही मुंह पे है. Yes, ma'am. है ना, और वो जब चीज झलकती है ना वो इंटरव्यू पैनल को बहुत इंप्रेस करती है, क्योंकि आप जितने ज्यादा कैंडिडेट्स देखेंगे ना, अक्सर लोग ना बड़े बनावटी से बनकर आते हैं. Yes, ma'am. ये मैंने भी नोटिस है ना, बड़ा बनावटी. खैर अब आप सेलेक्ट हो गए तो आप बहुत लोगों का इंटरव्यू लेंगे. Yes, है ना, आपके पास बहुत लोग आएंगे कि भाई सर हमें इंटरव्यू के लिए बताएं, तो मैं आप खुद भी जज करेंगे कि जब कोई बहुत बनावटी बनकर आता है ना, तो चाहे वो कितनी अच्छी बात बोल रहा हूँ लेकिन ना पता चल जाता है कि यार ये है तो झूठ. वो दिख जाता है मैं वो चेहरे से. और मैं मतलब मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, अराउंड 7-8 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए, वो कंटिन्यूस एक फीडबैक यही था उन्होंने कि यू हैव दैट ऑनेस्टी, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड उसमें यही कहते थे कि थोड़ा अगर इम्प्रूव करना है तो न्यूज़पेपर का टाइप से ये पढ़ ले, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल खुद से बात करने की कोशिश किया कर, बट उन्होंने कहा था कि यू आर ऑनेस्ट, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, तो ऐसे ही रहे, यू आर गोइंग टू गेट गुड स्कोर. मेरी इच्छा भी यही थी कि हम लोग बच्चों को, मतलब मुझे जो मैंने इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि बच्चों को साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन करो ना. यस मैम, पढ़ते रहो साथ में एग्जाम देते रहो, है ना. हमारा तो ये है कि हम साथ में यूपीएससी वाले करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को वही उसी ग्रेजुएशन से फायदा होगा. यस मैम, लेकिन बच्चा कहीं से भी करे, लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन अपना करता रहे या अपना पार्ट टाइम जॉब करता रहे फिर एग्जाम दे, क्योंकि वो जो है ना बीच का डर, मन का डर. यस मैम, वो व्हाइल कमिंग हियर मैम विद माय फ्रेंड I saw this initiative of yours, na, so that was wonderful initiative. That is a wonderful initiative ki while you are preparing, you are getting to get even graduated or post-graduated. So there are many gates open for you. If you do not, unfortunately, if you don't get into UPSC, there are many gates open for you. So that is a very nice initiative. डर तो नहीं लगेगा कि हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है. Life का, career का, वो जो uncertainty रहती है, वो बहुत तक खत्म हो जाती है. और मैं आपको बताऊं, UPSC का बच्चा अगर बाहर जाए,
पता है अभी ना मार्केट को पता ही नहीं है यूपीएससी के बच्चे का पोटेंशियल. एक नॉर्मल बीए एमए का बच्चा है समझे ना, डी यू से किया उसने, वो जाता है मार्केट में, उसको जॉब मिल जाती है. यूपीएससी वाले बच्चे ने उस बच्चे से 10 गुने से ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है, डाइवर्स फील्ड्स की नॉलेज रहती है, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, हर चीज की, सोशियोलॉजी की, हर चीज की नॉलेज रहती है. और लिखने में आंसर राइटिंग तो देख लो ना कैसी कर रखी है. और इतने केपेबल बच्चे को जब वो बाहर जाते हैं तो फिर पता है क्या कहते लोग, ओहो ये तो यूपीएससी फेल है, इसको क्या यूपीएससी फेल है मैम. वो यही रहता है कि यहाँ पे अगर वी आर फेलिंग इन द यूपीएससी लाइक आई वाज फेलिंग इन द मेंस, उस टाइम पे यहाँ पे इस मार्केट में रिस्पेक्ट है कि भाई एटलीस्ट ही इज गेटिंग टू राइट द मेंस बिकॉज़ दे नो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू क्लियर इवन प्रीलिम्स, टू क्लियर इवन प्रीलिम्स. बट जैसे ही मार्केट से बाहर निकलते हैं वी आर नथिंग, मतलब कोई भी पूछेगा अच्छा प्रीलिम्स फेल हो गया, दो या तीन अटेम्प्ट हो चुके तेरे, तू फेल हो रहा है, उनको ग्रेविटी नहीं पता चलती, ग्रेविटी नहीं पता चलते. ये पोस्ट ग्रेजुएशन ना मैंने इसीलिए इंट्रोड्यूस करी है कि जो ये बीए एडमिनिस्ट्रेशन या एमए एडमिनिस्ट्रेशन है ना, धीरे धीरे करके ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पीएचडी चेंबर, इन लोगों के पास जाएंगे, हम कहेंगे भी देखो हमारा जो यूपीएससी का बच्चा है ना, आगे सो मच पोटेंशियल, इसको लो ना तुम. यस मैम. भाई अगर इसके 20 नंबर ज्यादा आ जाते जिला चला लेता. यस मैम, वो 10 वन मार्क का डिफरेंट रहता है मैम. कितनी बार, और अगर 30 नंबर है डिपार्टमेंट नहीं चला सकता? चला सकता है, चला सकता है, इतना नॉलेज है उसे पॉलिटी इकोनॉमी और पता नहीं क्या क्या. मैम मैं तो जो पास हुए हैं उनसे ज्यादा आई रिस्पेक्ट दोज हु फेल्ड इन दिस एग्जाम बिकॉज आई नो हाउ मच हार्ड वर्क दे आर पुटिंग इन दिस एग्जाम एंड हाउ मेनी स्ट्रगल्स दे आर फेसिंग. I really respect them a lot, ma'am, for their continuous efforts, the hard work they are putting in, the struggles they are facing. यहाँ पे ORN में sustainable environment है ही नहीं, ma'am. The rents are too high, the food is so much unhygienic and bad. The food is bad almost. It gives you diseases every month or 10-15 days. और fear कितना है? Fear, ma'am, ऊपर से fear. Fear psychosis पे तो पूछो मत, कितना ब्रीड चल रहा है यहाँ पे. बस बच्चे को डराते रहो, डरा दो, कितना डरा सकते हो कि ये एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा तुम्हारा. सो आई आइडेंटिफाई माय सेल्फ विद द एस्पिरेंट्स हु आर फेलिंग मोर रादर देन विद द, बिकॉज व्हेन यू फेल 3-4 टाइम्स ना, यू नो द स्ट्रगल्स, यू नो द पेन, यू नो द पेन, सो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट एम्पैथाइजिंग विद द वंस यू हैव बीन सम टाइम अगो. अच्छा कभी ऐसा हुआ आपके सिलेक्शन से पहले कि कोई दोस्त सेलेक्ट हो गया हो और उसने अपने रंग बदल दिए हो? होता था मैम, होता था, बहुत बार होता था कि ऐसे दोस्त सिलेक्ट हो रहा है और उससे पहले तक तो तुम बहुत होते हैं और स्टार सडनली तुम्हारी उससे फिर धीरे धीरे बातें होनी बंद हो जाती हैं कि हाँ ठीक है. तो मैं फिर इसी कारण मैं जिनके साथ रहता था उन्हीं के साथ रह ही रहा हूँ मैम कंटिन्यूसली ना, तो क्योंकि मजा भी वहीं पे आता है बिकॉज यू नो देम. अभी जो मैं सिलेक्ट हो गया, अभी जो दोस्त बनेंगे कुछ ऐसे गेम्स के लिए बनेंगे मेरे साथ कि गिव एंड टेक टाइप ऑफ सिचुएशन, बट जो रियल फ्रेंडशिप थी वो तो उन्हीं के साथ थी. नहीं और पता है रियल फ्रेंडशिप मतलब मैं पता है आपसे सवाल ये वाला क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ना जब मैं ORN में बच्चों से बात करती हूँ है ना, तो लोग पता नहीं क्यों इस परसेप्शन में कि दोस्ती तो रखनी नहीं चाहिए, दोस्त बड़े ख़राब होते हैं और मतलब यहाँ पे दोस्त हमारा समय बर्बाद कर देंगे. जैसे मैं ना जो सुनते नहीं है किसी के साथ चाय पीने मत जाओ, बाहर मत जाओ, दोस्त मत बनाओ कोई. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मतलब दिस इज माय पर्सन कि दोस्त हमें बहुत जरूरी है. सोसाइटी क्या है, सोसाइटी जब मैं प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की तो दे वर सेइंग इनिशियली कि हाँ कर लेगा ये, ठीक है हो जाएगा. जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स पास किया तो उनको पता था, हमें पता ही था कर लेगा ये, इसका अभी की बारी हो जाएगा फर्स्ट में. मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब मेरा नहीं हुआ तो वही बंदे ऐसे कह रहे कहने स्टार्ट कर दी उसी सोसाइटी ने कि ऐसे ही घूम रहा है, इसका कुछ होने वाला है नहीं, इसकी शादी करवा के सेटल करवा दो, इसको पैसे खराब कर रहा है तुम्हारे. तो सोसाइटी लड़कों में भी करते हैं कि लड़कों में भी होता है मैम, ये लड़कों में भी होता है कि इसका शादी करवा के इसको सेटल करवा दो और कुछ नहीं होने वाला. तो सोसाइटी चेंजेस विद द टाइम, सो इट्स द पेरेंट्स हु शुड स्टैंड विद देयर चाइल्ड एंड इट्स द चाइल्ड मतलब सो इज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स व्हेन ही और शी अचीव समथिंग. सो दिस इज द मेन, थैंक यू कर दो एक बार बढ़िया से मम्मी पापा को. थैंक यू मम्मी पापा फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माय जर्नी, आई वुड नेवर बी एबल टू पे बैक व्हाट यू हैव गिवन टू मी. थैंक यू. नहीं नहीं पे बैक कर सकते हो. नो मैम. अब मम्मी पापा को आराम देना है. यस मैम. है ना, और घूमने भेजना है जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं. यस मैम. है ना, जिला मिलेगा तो घुमाना है एकदम बढ़िया से. आराम से. वेरी वेल. तो जीएस हमारी सिर्फ तैयारी की तो बहुत सारी बातें हो गई हैं. अब हरियाणा से आप हैं. yes, तो हरियाणवी के साथ जरा कुछ एंड कर दें हम सेशन को, मैं आपको बहुत ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगी. हरियाणवी में आप कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहें, हरियाणा के बच्चों को. मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गामा तो उठे हैं, शहरा में डेरे हैं और इस पेपर जिसे तो हमने पहले बतेरे फफेड़े हैं, तो भैया अपने मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो यार,
और अगर ये टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का अगर कॉम्बिनेशन से तुम अगर आगे बढ़ते रहे तो वन डे यू विल बी एबल टू क्लियर इट। इफ आई कैन क्लियर इट सो यू तो डेफिनेटली कैन। मैं पहले यही बाकी को देख के सोचता था, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग जो पेपर को पास करते हैं, पर टुडे आई मैन एग्जाम्पल कि भाई गाँव से उठ के भी और उस रूरल बैकग्राउंड से होने के बाद इफ आई वी कैन क्लियर दिस एग्जाम सो डेफिनेटली यू ऑल्सो कैन। तो गुड लक एंड थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच थैंक सुनील, यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग यू नो यंग कैंडिडेट्स। आई होप दे विल यू नो गेट इंस्पायर्ड एंड वर्क यस हार्ड। मैम, आई विश। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।